हेलो, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी सो डैट सी डी इज बाई सेक्टर ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ए डी जो है और बी सी ये परपेंडिकुलर है लाइन किसके, ए बी के। यहाँ पे हमको शो करना है सी डी इज बाई सेक्टर ए बी, है ना। अब यहाँ पे लिखोगे पहले गिवेन में जो गिवेन रहेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ए डी ये वाला जो लाइन है किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर, ए बी पर। ठीक, अब यहाँ पे देखो बी सी, बी सी परपेंडिकुलर है किस पे, ए डी पर, सॉरी ए बी पर। ये वाली लाइन है इस पे ये वाला जो है परपेंडिकुलर है, तो बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन किस पे, ए बी पर। ठीक, अब देखो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी दिख रहा है, एंगल ए बी सी इक्वल है किसके, 90 डिग्री के, है ना। एंड एंगल बी ए डी, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री, इधर ये 90 डिग्री, तो एंगल बी ए डी ये भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब हमको जो प्रूफ करना है वो हम लोग लिखेंगे, टू प्रूफ में क्या करना है, सी डी इज बाइसेक्टर किसका, ए बी का, ये हमको प्रूव करके निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, देखो ट्रायंगल ओ बी सी दिख रहा है, ट्रायंगल ओ बी सी ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ओ, इसको ओ कर लो, ओ ए डी, ओ ए डी। ठीक, अब इसमें देखो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल है किसके, एंगल बी ए डी के, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के इक्वल है, यहाँ पे गिवेन है ये वाला। ठीक, यहाँ ये वाला जो है यही तो हम यहाँ पे लिखे हैं, ये जो है 90 डिग्री के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखो बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी जो है वो इक्वल हो गया ए डी के, वो कैसे हुआ, ये गिवेन है ना। अब देखो एंगल बी ओ सी इक्वल हो गया एंगल ए ओ डी के, कैसे हुआ, यहाँ पे देखो एंगल बी ओ, एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल बी ओ ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए डी बोलो चाहे ओ डी ए बोलो। ठीक, मीन्स ये वाला एंगल, ये जितना एंगल होगा उतना ये भी होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट साइड आर इक्वल। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो एंगल बी ओ सी जितना होगा उतना ही एंगल ए ओ डी भी होगा। अब यहां से क्या प्रूफ होता है, बाई ए एस रूल से, बाई ए एस रूल से क्या प्रूफ होगा, ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी इक्वल सिमिलर ट्रायंगल ओ ए डी के। ठीक, अब यहाँ से हम लोग जब सी पी सी टी लगाएंगे तो क्या प्रूफ होगा, ओ बी इक्वल हो जाएगा किसके, ओ ए के। तो यहाँ से अब जाके प्रूफ हुआ सी डी इज बाइसेक्टर इज ए बी। अब यहाँ पे आप लोग लिख लो, सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ
ए बी। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये सब बहुत इजी है, ठीक है। बस आप लोग धीरे धीरे वीडियो को देखो और समझो इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और भी क्वेश्चन अगर गलती से छूट गया है मुझसे, तो अगर आप लोग लगाए हो तब तो ठीक है, अगर नहीं लगाए हैं, नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम वो आपको बता देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाई एन अदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ए के। अब यहाँ पे देखो, ये फिगर है, एल लाइन है ये, और ये एम लाइन है, और ये जो है पी जो है इंटरसेक्ट कर रही है एल लाइन को और एम लाइन को, और क्यू भी एक लाइन है जो कि एल और एम लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ से देखो, एसी एसी जो है इन दोनों को भी इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ से हमको लिखना क्या है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखो, ए बी सी एंड सी डी ए, तो यहाँ से एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला जो एंगल है ये एंगल ए सी डी, ए सी डी के इक्वल है। देखो ए बी, बी ए सी, अब यहाँ से देखो सी डी ए, ये एक दूसरे के इक्वल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक। कैसे इक्वल है, यहाँ पे लिखो, देखो पी पैरेलल है किसके, क्यू के, और यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यहाँ पे लिख लो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अब यहाँ पे देखो, एसी दोनों में कॉमन है, एसी इक्वल टू एसी, ये दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे देखो, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल है किसके, एंगल सी ए डी के, एंगल सी ए डी के। यहाँ पे देखो, एल पैरेलल है किसके, एम के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक। अब यहाँ से एक ट्रायंगल प्रूफ होगा, कैसे, बाई देखो, एक साइड इक्वल है, ठीक, एसी, और दो एंगल इक्वल है, देखो दो एंगल है, एक साइड है, तो बाई यस ए कांग्रुएंट रूल से यहां से प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल सी डी ए के। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ हो गया, ये एक दूसरे के सिमिलर हो गया, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, मींस एक दूसरे के सिमिलर शो करना था। क्लियर यहाँ तक? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।